अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, बैट बॉल खेल रहे होंगे, बास्केटबॉल खेल रहे होंगे, बैडमिंटन खेल रहे होंगे, क्योंकि घर में तो बस यही खेला जा सकता है। यार ज़्यादा मसला तो मतलब जेंट्स का ही होता है कि वो घर से बाहर ज़्यादा जाते हैं और खेलने वगैरह जाते हैं। लड़कों का कभी यही मसला होता है कि बाहर कभी खेलने जा रहे हैं, कभी फ़ुटबॉल खेलने जा रहे हैं, कभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मीटअप हो रहा है इनका, बॉयज़ का, सबका, तो बस सबका यही चलता रहता है। वैसे गर्ल्स भी आजकल जाती ही हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, लेकिन सीन्स ही कुछ ऐसे हो रहे हैं कि कहीं भी कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता। बस अपने घरों में सुकून से रहें, सुख से रहें और किसी को परेशान ना करें, खुद भी परेशान ना हो, और जो है बस पढ़ें, साथ साथ पढ़ें, अपना काम भी करें। ऑनलाइन क्लासेस तो हर यूनिवर्सिटी में हो रही हैं, हर कॉलेज में हो रही हैं, तो उनको लाजमी लें। और इसको जो है लाइट नहीं ला रहे हैं, कोरोना वायरस को पाकिस्तान में बहुत फैल रहा है, ठीक है। तो बस अपने घरों में रहें, ज़रूरत के तहत बाहर जाएं और हर चीज़ को डिसइंफेक्ट करें, और डिसइंफेक्ट करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा डिटॉल ले लें और ज़्यादा सारे पानी डालें तो हर चीज़ पर छिड़क दें, ठीक है। तो वो ख़ुद ब खुद डिसइंफेक्ट हो जाएगा, और जब नहाएँ तो डेटॉल लाजमी ले कर नहाएँ, डाल के नहाएँ, सॉरी। तो सबसे पहले आप चलते हैं अपने सूट की तरफ और पढ़ लेते हैं दरूद शरीफ। आऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو یار پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی اوور آل لک، اوور آل لک دیکھ لیں کتنا خوبصورت یہ فراک ہے۔ اس کے اوپر یہ نہ سمجھے گا کہ یہ صرف اتنا سا ہی فراک ہے، اس کے اوپر کوٹی بھی ہے، وہ کوٹی بھی بہت خوبصورت ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے گلے کی طرف۔ تو گلا جو ہے گول ہے، और ये जो है मैंने मल्टी कलर की लेसेस ली है, मल्टी कलर की लेसेस मैं इस पर लगवाई हैं ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये सबसे पहले है डार्क ग्रीन कलर की लेस, डार्क ग्रीन और जो पैरेट कलर है वो दरमियान में मिस वाला कलर है, ठीक है। जो फ्लैग कलर कलर होता है ना वो है हमारे पास कलर, ठीक है। और शौक खिलता हुआ कलर है। और ये जो है हमारे पास फ्रॉक है, लॉन का फ्रॉक है, जैसे कि आपको नज़र आएगा थोड़ा सा सीन थ्रू है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो आपको स्लिप लाजमी पहनने की पड़ेगी, क्योंकि वाइट कलर का जो है ये आपके पास ड्रेस है, वाइट कलर का मैंने फ्रॉक बनवाया। तो हम इसके बाद आ जाते हैं नीचे। नीचे जो है ये हमने लगवाए हैं शीशे, ठीक है। शीशे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये शीशे देख सकते हैं आप लोग। और जो शीशे हैं ना, ये हमारे पास पिंक कलर के शीशे हैं और गोल्ड पिंक और ब्लू कलर के शीशे हैं। ये शीशे मैंने बहुत दफ़ा लगवाए भी हैं और आपको पहले भी दिखाए हुए हैं मैंने ये शीशे, ठीक है। इसकी रिंग भी बनाई थी मैंने, अगर आप वो जाके देखना चाहते हैं तो वो भी जाके देख लें, ठीक है। और क्योटे के शीशे हैं, किसी भी आम दुकान से आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं। और ये फूल का साइज़ देख लें आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगाए हैं हमने, ठीक है। और लुक देख लें आप इसकी, ठीक है। और ऑल्टरनेट लगाए हैं, पहले पिंक लगाया फिर ब्लू फिर पिंक फिर ब्लू, ठीक है। और टोटल ये जो है 9 है, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें, वो भी कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ पे काम आ जाएगी। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम दामन पर। दामन पर देखें, जिस चीज़ का मैंने, जिस तीन फूलों का कंट्रास्ट किया है ना, उन तीन फूलों को लेके ही मैंने लेसेस लगाई हैं, उसी का मैंने फ्रॉक बनवाया है। तो सबसे पहले जो लेस है ये हमारे पास ग्रीन कलर की लेस है, जो मैंने गली पे लगवाई थी। फिर हमारे पास पिंक कलर की लेस आ जाती है, और पिंक जो है हमारे पास ब्लू कलर की लेस आ जाती है, और ठीक है। और अगर आप चाहें तो जो ऊपर मैंने आपको शीशे दिखाए हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप ब्लू शीशे लगा लें, यहाँ पे आप पिंक शीशे लगा लें, अगर आपको ग्रीन शीशे मिलते हैं तो ग्रीन शीशे लगा लें, ठीक है। ग्रीन शीशे भी अच्छे लगेंगे, लेकिन ये बॉर्डर जो है वो ज़्यादा भरा भरा हो जाएगा। मुझे जो है एलिगेंट और डिसेंट कपड़े पहनना पसंद है, तो इस वजह से मैं ऐसे ही सीन करूँगी कि बस ये ऐसे ही रहने दूँगी मैं, इस पर कोई और कुछ कोई भी चीज़ नहीं लगाऊँगी। उसके बाद जो आ जाते हैं हम बाजू पे आ जाते हैं। बाजू जो हैं वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन यार एक बात बताना भूल गई कि जितना डिस्टेंस यहाँ पे रखे उतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ पे रखना है। डिस्टेंस डज़ मैटर, डिस्टेंस आपने बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना, वरना जो है वो सूट की फिनिशिंग लुक अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद जो हम बाजू पे चल जाते हैं, बाजू पे भी हमने यही सीन किया हुआ है। हमारे पास डार्क ग्रीन कलर की लेस है, फिर हमारे पास पिंक कलर की लेस है, फिर हमारे पास ब्लू कलर की लेस है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके साथ और इम्बेलिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मूवी मोती लगा लें, ठीक है। और लुक मैं अब आपको दिखा देती हूँ, और लुक इसकी ऐसी है। और इसके साथ जो है वो मैं गोटी भी दिखा देती हूँ, और ये भी बता देती हूँ कि आप इसे कैसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत, तो गाइस देखें, इस कोटी के साथ जो है वो हमने पेयर अप किया है, और लुक देख लें अब आप इसकी, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं कोटी भी बता देती हूँ, ये मैंने बनी बनाई कोटी ली है। अगर आप बनी बनाई कोटी नहीं लेना चाहते
तो आप जो है वो घर वाली घर में भी बना सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा कि आप किसी भी लोकल मार्केट पे जाएं, उस पर ऐसा कपड़ा ले लें, ठीक है, उसके नीचे पाइपिंग ये जो है ये मस्टर्ड कलर की पाइपिंग लगा लें, और नीचे जो है ये कोई भी लाइट सा कपड़ा लेके लगा लें, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना जाली सा कितना हल्का कपड़ा इन्होंने लगा रखा है, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास डोरी आ जाती है, ठीक है। ये डोरी है, और जो इन्होंने है मोस्टली रखा है बेस कलर ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर रखा है, और इसमें मल्टी कलर का है, इसमें ग्रीन है, पिंक है, इट्स अप टू यू, ये कि अगर आप मैंने जो लेसेस लगाई हैं वो ग्रीन पिंक और ब्लू है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और क्योंकि इस पर मुझे लगा था कि यही चीज़ें इन्हांस होंगी, और अगर आपको लगता है कि मस्टर्ड इन्हांस होगा तो मस्टर्ड लगा लें, रेड इन्हांस होगा तो रेड लगा लें, कोई भी किसी भी कलर की कोटी ले लें, बस आपके पास ना मल्टी कलर की होनी चाहिए। और कोटी मैंने बनानी सिखा दी, मतलब बता दिया कि अगर आपके पास बनी बनाई कोटी नहीं है या आपके एरिया में अवेलेबल नहीं होती कोटी तो आप जो है वो ख़ुद भी बना सकते हैं, तो और लुक आप इसके देख लें, ठीक है। और यार एक जो सूट, इस सूट का जो फ़ायदा है ना, इसके ये मल्टी कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं सूट है, और पिंक ग्रीन और ब्लू कलर का जो है वो मैंने लेसेस लगवाई हैं, और जो शीशे हैं वो ब्लू और पिंक कलर के शीशे हैं, देख सकते हैं आप लोग। इस पर जो है हम जो दुपट्टा लगा लेंगे वो दुपट्टा आप ग्रीन भी ले सकते हैं, पिंक भी ले सकते हैं, ब्लू कलर के भी ले सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर आप वाइट लेना चाहते हैं वाइट भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो इसके साथ शलवार जो मैच करेंगे ना वो वाइट ही करेंगे, किसी और कलर की ना लीजिएगा, वरना जो है ये बुरा लगेगा। और अगर आप जीन्स पहनना चाहते हैं तो जीन्स तो बहुत अच्छा ही ऑप्शन है, ठीक है, जीन्स पहन लें, लेकिन मुझे जो ज़्यादा प्रेफर है ना वो वाइट कलर की शलवार के साथ इसे पहनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके साथ मैं टॉप्स क्या पहनूंगी, रिंग्स क्या पहनूंगी, रिंग्स तो नहीं मैं ख्याल रख रही, टॉप्स क्या पहनूंगी, इसके साथ मैं लिप कलर क्या यूज़ करूँगी, और जो है ब्लशर कौन सा यूज़ करूँगी, शूज़ कौन से पहनूंगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ब्लू कलर की कॉटेज है, इस पर हम कुछ भी चला सकते हैं, मल्टी कलर है, इट्स अप टू यू। और अच्छा जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने लिप ग्लॉस की तरफ। लिप ग्लॉस जो है, लिप ग्लॉस नहीं है, लिप मैट लिपस्टिक है, ठीक है, ये है कॉस्मी की मैट लिपस्टिक है, ऑरेंज कलर की लिपस्टिक है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टी कलर का है, इस पर कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी लगा लें आप, कुछ भी पहन लें, और बस ये होता है कि बुरी ना लगे वो चीज़। उसके बाद जो है हमारे पास ये ब्लश ऑन है, ये ब्लश ऑन भी मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, ये उल्टा खोला है मैंने, ठीक है, ये देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, और ये जो है टेराकोटा वाला सीन है, और जो है बहुत अच्छा लगता है, ये थोड़ी थोड़ी शाइनिंग आती है, तो ईद वगैरह पे वैसे भी कोई आप जा रहे हो किसी भी शादी वगैरह पे तो ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये ब्लशर आ गया हमारे पास, उसके बाद जो है हमारे पास ये वही टॉप्स हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाए थे, ठीक है, ये टॉप्स हैं, ये मेरा मैंडेटरी फ्लावर, ठीक है। उसके बाद जो आ जाते हैं हम इसके जूतों पर, तो जूते जो है वो मैंने ब्राउन रखे हैं, ठीक है, ब्राउन रख लें, या अगर आपके पास जीन्स के जूते हैं तो जीन्स के जूते रख लें, वो भी मुझे मिलने रहे थे इस वजह से वो मैंने रखे नहीं। और इसके साथ जो है अगर आप पिंक जो रखना चाहते हैं, पिंक क्या कहते हैं उसे, लिपस्टिक रखना चाहते हैं मैट कलर की, तो पिंक रख लें, ठीक है। और ये है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन पर आप क्लिक कर दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।